हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विवेक जागरूकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है जिसका शायद आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं एक जो बहुत समय से एक मुद्दा चल रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस एमपी सिविल जज में, जिसको लेके मेरे पास रोज मैसेजेस आ रहे थे। मैंने अपने वे पे पता करने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें समझ में आई है। आज वो चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो बार बार चीजें आ रही थी कि 3 साल का एक्सपीरियंस और 70%, कुछ कुछ लोग तो 75% भी बोल रहे थे कि 75% या 70% जिनका है या फिर जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है वही एमपीसीजे दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे बच्चे, क्योंकि जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी, इससे क्या होने वाला था, जो नए बच्चे थे उनको बड़ी दिक्कत थी। नए बच्चे, 3 साल का एक्सपीरियंस था नहीं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है जहां 70% मिलती ही नहीं है, तो एक बहुत खतरनाक स्थिति बची हुई थी। बच्चे कह रहे थे तैयारी करें ना करें, होने क्या वाला है, ये सारी चीजें। तो आज इसी वीडियो पर उनके लिए बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारा जुडिशियरी एमपीसीजे को लेके हमारा बैच आ चुका है, एमपीसीजे का बैच है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों के रिलेटेड बैच होने वाला है। इसके साथ साथ एडीपीओ में भी आपने हमारा रिजल्ट देखा है, टोटल 82 इंटरव्यू कॉल्स हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा शायद इंटरव्यू कॉल यहीं से है। इसके साथ साथ ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज, लाइव रिकॉर्डिंग है, जीके जीएस फ्री टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, क्लासेज विद डिजिटल बोर्ड, मिनिमम फीस, मैक्सिमम गाइडेंस। अभी अभी क्या हुआ है, बैच स्टार्ट हुआ और ये अभी रिसेंटली इतने सारे सिलेक्शन भी हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं, आप पर सब्जेक्ट के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई आपका सब्जेक्ट खराब है तो सब्जेक्ट के हिसाब से टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि क्लासेस रिकॉर्डिंग भी है, जीके भी आपको मिल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि एमपी की जीके चाहिए, जीके भी है, टेस्ट सीरीज भी है, मेंस का बैच भी आ रहा है जिसमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर भी होगा, जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी आ रही है, प्रीलिम्स क्लासेस चल रही है, बहुत सारी चीजें, मतलब आप जो भी चीजें आपके सिलेक्शन में आपको जरूरत है सारी की सारी, और फीस भी आपको बड़ी मिनिमम हमने यहाँ पे आपके लिए रखी है, तो डेफिनेटली आप उस बैच की तरफ देखिए। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं, जो है 3 इयर्स और 3 इयर्स और 70%, ठीक है, 70 और कुछ लोग 75% इसको कह रहे हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है, 3 इयर्स से 70-75%, ये क्या है। तो देखिए, पहली चीज कि जो ये र्यूमर उड़ा था 3 सालों का और 70-75% का, ये र्यूमर नहीं, ये बिल्कुल सही चीज थी। ये चीजें, गतिविधियां बहुत समय से हाई कोर्ट में चल रही थी, शायद इसीलिए वैकेंसी लेट हुई है, क्योंकि आप जानते हो कि एमपी की वैकेंसी हमेशा कब आ जाती थी, एमपी की वैकेंसी हमेशा जब इंटरव्यू आपके स्टार्ट होते तो उस समय वैकेंसी आ जाती थी। इस बार वैकेंसी क्या है, जो हमारा कोर्ट था, हाई कोर्ट था, जो सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट चाह रहा था कि 3 साल का एक्सपीरियंस और 70% हो या 75% का क्राइटेरिया रखा जाए, जिससे जो व्यक्ति वहां पर आए तो थोड़े से वो मैच्योर टाइप के व्यक्ति हो। इस चीज को लेकर बहुत समय से गतिविधियां चल रही थी। 3 प्रपोजल जो मेरे सुनने में आए, 3 प्रपोजल हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को भेजे गए थे, एमपी सिविल जज का रिजल्ट जो उन्होंने दे दिया है, फाइनल पास हो गया है। दूसरा आपका एमपी एडीजे का रिजल्ट जो अप्रूव करने को भेजा था वो भी फाइनली पास हो गया, मतलब ये चीजें थी कि भैया इतनी इतनी वैकेंसीज आपको पास करनी है, ये भी पास हो चुकी है। और तीसरी चीज जो लेके आ रही थी, जो तीसरी चीज सुनने में आ रही थी, वो ये थी कि भैया सरकार से राय मांगी गई थी कि हम ऐसा ऐसा क्राइटेरिया जोड़ रहे हैं, तो जो सुनने में आया है वो ये है कि सरकार ने इसको मना कर दिया है, एमपी गवर्नमेंट ने, और अब इस प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वहां तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग परेशान हो रहे थे उनके लिए गुड न्यूज हो सकती है ये, मेरे जो मुझे जानकारी मिली है, हो सकता है ये 100% सच ना हो, लेकिन मेरे जो जो मुझे जानकारी मिली है, मुझे सोर्सेज मेरे रिलायबल है, और मुझे लगता है कि जो मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ 99% ये सही होने वाली है, और जो ये 3 साल का और 70% का क्राइटेरिया है लगभग लगभग नहीं आ रहा है, तो पैनिक होने की स्थिति नहीं है। अगर पैनिक थे तो एग्जाम की प्रिपरेशन आप चालू रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये क्राइटेरिया जहां तक नहीं आ रहा है, आई एम 99% श्योर, ठीक है। मैंने इतने दिनों के बाद इसलिए वीडियो बनाई है, बहुत सारे समय से पहले से रिक्वेस्ट आ रही थी इस पे वीडियो बनाइए, क्योंकि जब तक कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। और जहां तक इन्फॉर्मेशन रिलायबल है, 99% के पूरा ये पॉसिबिलिटी है कि ये चीजें आपकी होने वाली है, ये चीजें मतलब नहीं होंगी, 3 साल और 75% का क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा, तो आपके लिए खुशखबरी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आपको सारी की सारी न्यूज एमपीसीजे की वैकेंसी से रिलेटेड, हमारी फ्री टेस्ट सीरीज और तमाम चीजें आपको टेलीग्राम पे पता चलती जाएंगी कि क्या कैसा हो रहा है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, और मैं इसको कमेंट पे पिन भी कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल विवेक जागरूकता को जरूर फॉलो करिएगा, जो आपको जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन में बड़ा हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।